मेरे अच्छे अच्छे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, और एक बार मिलकर बोलते हैं भारत माता की जय। देखिए बेटा, जैसा है कि अभी हम लोगों ने नया नया समाचार पाया कि जो है, आप लोग भी तो समाचार देख रहे होंगे कि लॉकडाउन तो खत्म हो गया लेकिन अनलॉक वन चालू हुआ है। तो अनलॉक का नियमों का पालन करना पड़े बेटा, हम लोगों नियम को तोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश की मिट्टी का हम लोग जो है रखवाले हैं, अतः जो उस नियम का पालन करेंगे और नियम को चलते हुए जो है, जब समुचित समय आएगा तो कोचिंग खोला जाएगा, फिर आप लोगों से हम फेस टू फेस मिलेंगे। लेकिन बेटा कुछ दिन तक मास्क लगाकर मिलना है, क्योंकि जब तक कोरोना को जड़ से नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग जो है नेट सिस्टम से, आधुनिक युग से, यूट्यूब चैनल पर या कहीं तो हम लाइव क्लास रहने के लिए तत्पर रहेंगे बेटा। और हम भी मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत करते रहिए बेटा, और इसी तरह से आप घबराइए ना। हम उम्मीद है कि जो है धीरे धीरे कोर्स को खत्म करेंगे, मेहनत करते रहेंगे बेटा, आप लोग परेशान मत बेटा, सबका साथ सबका विकास होगा और आप लोगों का सहयोग। देखिए बेटा, जैसे जिस तरह से हमारे योद्धा जो है डॉक्टर हुए और जो है नर्स हुए, उसके बाद में जो पुलिस कर्मी हुए, ये सब आपस में मिलकर के पूरे भारत के जो है अपने रखवाले हैं, और उधर जो है आपके जो है सैनिक हैं जो बॉर्डर पर रखवाले कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी तो सैनिक हैं। तो आप लोग भी सहयोग करें, हम लोग भी सहयोग, सब कोई मिल करके तब कोरोना भगाएं बेटा। अब कोरोना के चक्कर में पड़ करके जो है अपना टाइम लॉस न करिए बेटा, पढ़ाई के साथ साथ जो है, बल्कि कोरोना के साथ साथ पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई पहले जरूरी है, फिर कोरोना तो भगाना ही है ना। लेकिन एक बात सुनिए, आप लोग स्टे होम स्टे सेफ का फॉर्मूला अपनाइए, क्योंकि अगर आप जो है घर ज़्यादा क्यों अति आवश्यक काम पड़े बेटा तभी आप घर के बाहर निकले, नहीं तो घर पर रह करके केवल स्टडी करिए, और आपको जो है बहुत आगे निकलना है। और हम तो जान रहे, हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसा काम करेंगे, हमारे कोचिंग के बच्चे ही कोरोना मारने की दवा बनाएंगे और कोरोना को मारकर भगाएंगे। ठीक है, आइए तो आज टॉपिक बात करते हैं बेटा, क्या था, रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति में आपको बताया थे आण्विकता, फिर आण्विकता कोटि प्रकार, और ये बताया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो है शून्य कोटि की हेडिंग क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी शायद न्यूमेरिकल आता है बेटा, ये आपको टॉपिक जो है 3 नंबर देगा अगर इस समाकलन समीकरण सीखेंगे हम, माने समाकलन की सहायता से, और अर्धायुकाल निकालेंगे, इसको बेटा 3 नंबर का प्रोसेस है ना। आइए देखते हैं क्या कैसे होता है। अरे भाई, कोई रिएक्ट है और प्रोडक्ट दिया, माने अभिकारक ने उत्पाद दिया, तो और क्या अभिकारक तुरंत उत्पाद बनाता है, अरे भाई कुछ समय लगेगा ना। तो माना टी बराबर 0 समय पर अभिकारक की मोलर सांद्रता, अरे भाई मोलर सांद्रता में मोलरता एक्टिव मास आर 0 है, और टी समय बाद अभिकारक की मोलर सांद्रता, अरे भैया अब कितना है, अरे भाई कुछ होगा सांद्रता, उसको हमने मान लिया कैपिटल आर, है ना भाई। शुरू हमने माना कि अभिकारक सांद्रता आर 0 था, और कुछ देर के बाद भाई जब उसका कुछ मात्रा उत्पाद बदल गया, जब अभिकारक उत्पाद बदल गया तब जाकर के अभिकारक मोलर सांद्रता क्या हो गया बेटा, एक्टिव मास आर हो गया, बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए शून्य कोटि की, अरे शून्य कोटि है ना, शून्य कोटि की अभिक्रिया की वेग नियम व्यंजक से, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक से, अरे बताएं क्या बताया यार, माइनस डी एक्टिव मास आर, सब चर्चा हुआ है, बटे डी टी इज इक्वल टू वेग स्थिरांक कैपिटल के
और फिर क्या बनेगा यहाँ पर एक्टिव मास आर, लेकिन शून्य कोटि है ना। अरे वह जिसका वेग अधिकारक के मूल सांता के शून्य घात के बराबर होता है, शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे शून्य कोटि अपने करते हैं। आप देखिए यहां लिख सकते हैं माइनस डी एक्टिव मास आर बटे डी टी इक्वल टू कैपिटल के और ए पावर जीरो बराबर एक, यहां आर पावर जीरो है, इसका मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। क्या लिखते हैं बेटा गुणते एक, अब तीनों गुणा कर दो माइनस डी एक्टिव मास आर तीनों गुणा के डी टी है ना। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन करने पर दोनों अभी तक पढ़ाए थे पक्षों का समाकलन करने पर आई देखते हैं कैसे होता है। कुछ नहीं है बस ये समाकलन का चिन्ह बना दिए माइनस डी एक्टिव मास आर उसके बाद इधर हो जाएगा के डी टी। अब क्या है इधर माइनस बाहर निकाल दो इधर के बाहर निकाल दो हो जाएगा माइनस समाकलन डी एक्टिव मास आर इज इक्वल टू इधर के बाहर निकालते हैं समाकलन डी टी। अब इसका समाकलन बताए थे क्या बताया याद है अभी कल बताए थे एक्टिव मास आर हो जाएगा इसका हो जाएगा क्या अरे भाई माइनस ग्रह करेगा माइनस एक्टिव मास आर इक्वल टू के और डी टी का बताए थे सापेक्ष तब क्या हो जाएगा यहाँ पर टी। अरे भाई ये सब बात बताए थे कल तो यहाँ पर हो जाएगा टी और यहाँ पर अब एग्जाम्पल यहाँ यहाँ जिधर कॉन्स्टेंट है उधर हम एक समाकलन स्थिरांक जोड़ेंगे प्लस यही मेन पॉइंट है प्लस सी जहां C एक निर्धारक है इसे समाकलन स्थिरांक कहते हैं जहां कैपिटल C एक समाकलन स्थिरांक है। अच्छा अब देखिए हम जानते हैं कि माने हुए t बराबर जीरो समय पर अभिकारक की मूल संख्या आर जीरो है और t समय बाद अभिकारक की मूल संख्या क्या है कैपिटल r है एक्टिव मास r है। तब देखिए चूंकि t बराबर जीरो समय पर अभिकारक की ऐसे करते हैं ना बेटा इसको समीकरण नंबर एक मानते हैं तीन राज्य समय पर अभिकारक की मोलर सांद्रता कितना है एक्टिव मास आर जीरो है तो समीकरण एक में मान रखने पर समीकरण कोई दिक्कत तो नहीं है आठ समय में समीकरण एक में मान आर भाई रखो क्या है समीकरण एक माइनस एक्टिव मास आर इक्वल टू के अभी केटी हो जाएगा तू केटी हो जाएगा ना मल्टीप्लाई टी प्लस सी तो यहां देखा जाए यहां पर अगर हम टी मान जीरो रखते हैं तो जो अभिकारक की मोलर सांद्रता है वह एक्टिव मास आर जीरो हो जाएगा ना अतः यह हो जाएगा माइनस एक्टिव मास आर जीरो इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई जीरो प्लस सी। तो हम कह सकते हैं कि सी का मान जो निकला है माइनस एक्टमस आर जीरो है सी बराबर हो जाएगा माइनस एक्टिव मास आर जीरो। तो सी का मान पुनः समीकरण एक में रखने पर
सी का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर क्या है माइनस एक्टिमस आर है इज इक्वल टू क्या है कैपिटल के है और क्या है टी है और प्लस क्या है सी है के मल्टीप्लाई टी प्लस सी माइनस एक्टिमस आर के टी सी का मान क्या है सी का मान है बेटा यहां पर जो है माइनस एक्टिमस आर जीरो यहां प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा है ना सी का मान बढ़ रहा है यहां पर माइनस एक्टिमस आर जीरो अब क्या दिक्कत है तो उत्तर क्या यही आपका गति समीकरण है यही समाकलित समीकरण है इसे पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा आपका के टी इज इक्वल टू इधर इधर लगे कि माइनस प्लस हो जाएगा प्लस एक्टिमस आर जीरो माइनस एक्टिमस आर इसको लिख सकते हैं के इक्वल टू एक्टिमस आर जीरो माइनस एक्टिमस आर बटे टी या लिख सकते हैं या करके के इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड रखने बेटा तो के इक्वल टू या लिख दीजिए या के इज इक्वल टू एक्टिव मास आर जीरो माइनस एक्टिव मास आर बटे टी है ना ये बटे है चलिए अब देखिए जहां लिखा देते हैं जहां देखिए बेटा जहां जहां के क्या है के बराबर वेग स्थिरांक अब ध्यान दीजिए शून्य कोटि का वेग वेग स्थिरांक मात्रक आप लोग इसमें धर लीजिएगा बताएं हैं सर अब आर जीरो है एक्टिव मास आर जीरो है अभिकारक की प्रारंभिक मोलर सांद्रता माने टी बराबर जीरो समय पर अभिकारक की मोलर सांद्रता समझेंगे बेटा अभिकारक की प्रारंभिक मोलर सांद्रता माने मोल प्रति लीटर और आर बराबर हो जाएगा एक्टिमास आर अभिकारक की अरे भाई कुछ देर के बाद अभिकारक की सांद्रता माने शेष सांद्रता अभिकारक की शेष मोलर सांद्रता माने मोल प्रति लीटर और टी क्या है टी है आपका समय मात्रक हो जाएगा समय मात्रक सेकेंड या मिनट या घंटा जो भी है अच्छा एक बात सुनिए आइए इसे सुंदर लगे इसको बंद कर दिए जाए अच्छा लगने के लिए बेटा आप लोग फिर कॉपी में से बंद कर दिया गया अच्छा से ठीक है नोट करिए आइए अभी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसी से रिलेटेड है जैसा हमने अभी डेरिवेशन किया उसी से संबंधित है क्या है देखिए शून्य कोटि के अभिनय की अर्धायुकाल अरे भाई कक्षा नौ पढ़े हैं आप जितने समय में कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा की आधी हो जाती है उसे अर्धायुकाल कहते हैं अर्धायुकाल को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं माने टी लिखेंगे और नीचे थोड़ा सा पार्ट टू लिखेंगे तो आज हम कक्षा 12 पढ़ेंगे बेटा अरे नौ की बात छोड़ो अरे भाई
कोई अधिकारक है और माने रिएक्ट है और प्रोडक्ट बनाता है। जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो अधिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अरे भाई मान लीजिए कोई अधिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता कितना होगा 10 मोल, माना 10 मोल प्रति लीटर है तो 10 मोल प्रति लीटर से भाई 9 मोल होगा, 8 मोल होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा। अरे भाई 5 मोल प्रति लीटर होगा ना, तो जितने समय में अभिकारक की मोल सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की देखो आधी हो जाती है उस समय क्या कहते हैं अर्ध आयुकाल कहते हैं। आई लिखते प्रकाशा वह समय जिसमें अभिकारक की शेष सांद्रता, अरे बची सांद्रता, शेष सांद्रता या मोलर सांद्रता, वह समय जिसमें शेष सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे अर्ध आयु काल कहते हैं, है ना? इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक क्या होगा देखिए। अरे क्योंकि मात्रक क्या है, समय है ना, समय मात्रक क्या होता है सेकेंड, मात्रक समय माने क्वेश्चन बेटा सेकेंड होगा है ना, और क्या होगा मिनट होगा, और क्या होगा घंटा होगा। तो अर्धायु काल का मात्रक रहेगा सेकंड भी हो सकता है और मिनट भी हो सकता है और घंटा भी हो सकता है। आप देखिए तो अर्धायु काल के लिए ध्यान देखिए बेटा मेन पॉइंट, अर्धायु काल के लिए जो आपका जो समय है, समय t बराबर हो जाएगा टी हाफ, वह समय जिसमें अधिकारक की शेष सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसलिए समय को टी हाफ कर दिए और शेष सांद्रता, अरे भाई शेष सांद्रता माने क्या बताएं भी, एक्टिव मास आर को ही शेष सांद्रता कहते हैं। तो अधिकारक की शेष सांद्रता अपने प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक माने क्या है आधी की आधी रह जाती है, तो अर्धायु काल के लिए टी का मान टी हाफ और जो है शेष सांद्रता एक्टिव मास आर का मान एक्टिव मास आर जीरो का आधा। आइए इस मान को समाकलित समीकरण रखने पर इस मान को तो इस मान को शून्य कोटि के अभिक्रिया के समीकरण में रखने पर आइए क्या है, याद है बीजी सूत्र आए थे क्या है, कैपिटल के बराबर
हेड क्यूमास आर जीरो ये प्रारंभिक मोलर सांद्रता माइनस शेष मोलर सांद्रता हेड क्यूमास आर और बटे बटे समय। अब क्या दिक्कत, अब यहां पर टी का मान टी हाफ रखेंगे और हेड क्यूमास आर का मान हेड क्यूमास आर जीरो बटे टू रखेंगे तो के इक्वल टू हेड क्यूमास आर जीरो माइनस हेड क्यूमास आर का मान अब है बाद के लिए रखेंगे हेड क्यूमास आर जीरो बटे दो और फिर बटे बराबर बटे समय टी रहे। अच्छा हाँ, अब यहां टी का भी मान रखेंगे, टी का मान क्या रहेगा टी हाफ। अरे भाई यही तो डेरिवेशन है। अब देखो के बराबर इसमें आर जीरो कॉमन तब क्या हो जाएगा, अरे भैया ऐसे कर दो, अच्छा काम लेते हैं तो एड टू मास आर जीरो कॉमन पुस्तक में बचेगा क्या, यहाँ एक बचेगा एक माइनस एक बटे दो बटे टी हाफ अर्धा बार, अब एक में से आधा है आधा देखेंगे के इक्वल टू एड टू मास एक्टमास आर जीरो गुड़ते वन अपान टू बटे बटे टी हाफ। अब देखिए ध्यान से ये दो नीचे आ जाएगा के इक्वल टू एक्टमास आर जीरो एक्टमास आर जीरो बटे दो नीचे आएगा दो मल्टीप्लाई टी हाफ है ना। अब देखा जाए इसको लिख सकते हैं हम, ध्यान देखिए यहां लिख सकते हैं यहां पर तो मेन डेरिवेशन हो गया अर्धाई पाल। देखिए यह है शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धाई पाल के बीच संबंध, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए देखिए इधर ध्यान से, अब हम इसको टी हाफ टी रेगुलर करते हैं तो यहां जाएगा टी हाफ इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हेड टू मास आर जीरो बटे बटे के यहां कर देते हैं और टी हाफ यहां कर देते हैं बटे टू के। अब देखा जाए इसमें दो बात निकला, निष्कर्ष निष्कर्ष क्या है देखिए इधर है निष्कर्ष है बेटा बहुविकल्पी में बहुत आता है निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष जो है बहुविकल्पी में आता है क्या है जो टी हाफ है अर्धायुकाल है वह जो है अभिकारक के प्रारंभिक मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि यहां जो अर्धायुकाल है और ये अभिकारक की प्रारंभिक मोलर सांद्रता क्या है ऊपर है, इसलिए शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान अभिकारक के प्रारंभिक मोलर सांद्रता क्या होता है समानुपाती होता है, जबकि जबकि टी हाफ माने अर्धायुकाल टी हाफ विद्युत क्रमानुपातिक के, हमने देखा कि जो अर्ध शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान अभिकारक के प्रारंभिक मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है और वेग स्थिरांक क्या होता है क्रमानुपाती होता है, यही है बेटा मेन रेंजर। आइए इसको बंद करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल तैयार कर लीजिए बेटा। तो ये है ये वन है ठीक है, तो आज इतना पर्याप्त है, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे, बाय।